और वहीं रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में आए उद्योगपतियों ने कहा कि एमपी में बिजनेस की अपार संभावनाएं हैं, यहाँ जमीन जल सहित हर वो सुविधाएं हैं जो उद्योग लगाने के लिए जरूरी होती हैं। I stand before you today with a deep sense of gratitude and optimism as we gather to acknowledge your commitment to industrial development under your visionary leadership, your unwavering commitment to foster a conducive business environment and promoting economic growth has been instrumental. पिछले 15 वर्षों में मध्य प्रदेश ने बहुत तरक्की की है, पर अभी तक जो भी तरक्की हुई है अधिकतर इंदौर भोपाल इधर देखने को हमें मिली है। ये जो आपने रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव शुरू किए, दिस इज अ यूनिक प्रोपोजिशन जो ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूरे मध्य प्रदेश के अंदर में लाता है, और ये बहुत ही इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। और केवल जबलपुर में नहीं, आगे रीवा ग्वालियर भोपाल में जैसा अभी बताया गया, जैसे बेटी का विवाह होता है तो वैसे ही हम 7 और 8 फरवरी को वहां पे मौजूद होंगे। मेरा सौभाग्य रहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काफी मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी, एक मीटिंग सुबह 8:30 बजे हुई थी, एक मीटिंग रात को 10:30 बजे हुई थी, उससे पहले भी उनकी मीटिंग चल रही थी और उसके बाद रात को भी मीटिंग चल रही थी। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की कमिटमेंट है ओवरऑल स्टेट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ये बहुत ही सराहनीय है। उसके बावजूद उनके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था, कोई थकान नहीं थी, इस प्रकार से कंटिन्यूस बेसिस पे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। सबसे पहले ये जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव्स किए गए हैं, पहले उज्जैन में हुआ था, अभी यहाँ हुआ है, ये बहुत ही एक बहुत अच्छा स्टेप है जो मुख्यमंत्री जी ने लिया। इससे जो स्टेट की जो डेवलपमेंट है, ये पूरी बैलेंस्ड डेवलपमेंट और ऑलराउंड स्टेट, पूरी स्टेट में डेवलपमेंट होगा, तो इसके लिए ये बहुत ही सराहनीय स्टेप है। तो हम इससे इंडस्ट्री में बहुत खुश हैं कि पूरी मध्य प्रदेश स्टेट में अलग अलग रीजन्स को फोकस किया जा रहा है। इसके बाद जैसा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज उनकी प्रेजेंटेशन में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में क्यों इन्वेस्ट किया जाए, उन्होंने बहुत अच्छे उसमें रीजन उसमें बताए कि क्यों क्यों इन्वेस्ट किया जाए। तो मैं इंडस्ट्री की तरफ से अपना पर्सपेक्टिव देना चाहूँगा कि जो उन्होंने बताया वो बिल्कुल सही है। जैसा कि सबसे बड़ी बात होती है लैंड अवेलेबल मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल है, और लैंड जो है वो अच्छे रेट पे अवेलेबल है, ये सबसे बड़ी बात ये है। और उसके बाद जहाँ पावर अवेलेबल है, जहाँ वाटर अवेलेबल है, जहाँ स्किल सेट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे लॉजिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मध्य प्रदेश बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, तो जहाँ से हमारी जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो सबसे कम से कम होती है, तो इसके कारण से ये मध्य प्रदेश जो है कई कारणों से बहुत ही अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए।